शिव ने आकांक्षा का हाथ हिलाते हुए कहा, आकांक्षा शांत हो जाओ, सब ठीक है, कोई नहीं आने वाला है, कोई तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगा, कोई तुम्हें दोबारा उस जगह पर नहीं ले जाएगा। आकांक्षा ने कहा, शिव तुम सच कह रहे हो ना, कोई मुझे दोबारा वहां नहीं ले जाएगा ना, तुम मुझे कहीं नहीं जाने दोगे ना। अक्ष ने आकांक्षा को गले लगाते हुए कहा, मम्मी मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आकांक्षा ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ हो और तुम मुझे हमेशा बचा लोगे। ये कहते हुए आकांक्षा रोने लगी। थोड़ी देर बाद आकांक्षा सो गई। अब तक डॉक्टर भी वहां आ चुकी थी। श्लोक ने एक डॉक्टर को वहां बुला लिया था क्योंकि श्लोक जानता था कि आकांक्षा प्रेग्नेंट है और इस समय उसे इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, इसीलिए श्लोक चाहता था वो डॉक्टर आकांक्षा को अच्छे से चेक कर ले। श्लोक ने दरवाजा खोला और वो डॉक्टर के साथ कमरे में आ गया। शिव और अक्ष दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। अक्ष कुछ कहने ही वाला था कि तभी श्लोक ने उसे चुप रहने का इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर आई है, उन्हें चेक करने दो। ये सुनकर अक्ष कुछ पल के लिए चुप हो गया और फिर आकांक्षा के पास से उठकर दूर खड़ा हो गया। शिव भी दूर खड़ा हो गया था। डॉक्टर ने आकांक्षा को अच्छे से चेक किया और फिर श्लोक से कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, मैडम की तबीयत ठीक है पर आपको इन्हें एक बार हॉस्पिटल लेकर आना होगा, हमें इनके अच्छे से जांच करनी होगी, तभी हम बता पाएंगे कि बेबी और मम्मा ठीक है कि नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर अक्ष के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे नहीं पता था उसकी मम्मी प्रेग्नेंट है। अक्ष जब तक घर पहुंचा था तब तक सबकी बातें खाए। अक्ष ने कहा, मैं शिव अंकल के साथ आया हूँ, शिव अंकल मम्मी को बताने आए थे कि वो वापस मनाली जा रहे हैं, पर मम्मी की ऐसी हालत देखकर वो बता नहीं पाए। शिव अंकल पहले अग्निहोत्री मेंशन आए थे और उन्होंने मम्मी के बारे में पूछा था, मैंने उन्हें बताया था कि मम्मी इस घर पर है इसीलिए वो यहाँ आ रहे थे, तो मैं भी उनके साथ आ गया। श्लोक ने कहा, क्या शिव मनाली वापस जा रहा है? श्लोक को विश्वास नहीं हो रहा था। अक्ष ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, उनका सारा बिजनेस वही है इसीलिए वो दोबारा वहां जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने अपनी कुछ कंपनी यहाँ खोल दी है और उनका बिजनेस यहाँ भी अच्छा चल रहा है, पर वो अपने दादाजी को लेकर मनाली जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वही ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे भी जाना होगा, आप मम्मी का ख्याल रखिएगा। श्लोक ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? अक्ष ने कहा, मुझे स्कूल जाना है। अक्ष के स्कूल स्टार्ट हो गए थे। हालांकि अक्ष को स्कूल जाना पसंद नहीं था पर उसकी मम्मी चाहती थी कि वो पूरी पढ़ाई खत्म करे, इसीलिए अक्ष स्कूल जाता था। आकांक्षा ये चाहती थी कि स्कूल जाकर लोगों से जुड़ना सीखे और दोस्त बनाना सीखे, पर अक्ष को वो सब बहुत बोरिंग लगता था। अक्ष को ऐसा लगता था जैसे वहां मौजूद बच्चे उसके लेवल के नहीं थे जिनसे वो बात कर सके। श्लोक ने हाँ में सिर हिलाया जिसके बाद अक्ष वहां से चला गया। श्लोक जानता था अक्ष के साथ हमेशा उसका पार्टनर सुहान रहता है और वही अक्ष को स्कूल ले जाएगा, इसीलिए श्लोक ने कुछ भी नहीं कहा। एक घंटे बाद आकांक्षा को होश आया और वो आसपास देखने लगी। उसका सिर काफी दर्द कर रहा था। आकांक्षा ने अपने सिर पर हाथ रखा और सोचने लगी कि आखिर वो बिस्तर पर कैसे आई। तभी आकांक्षा को याद आया कि लिविंग रूम में क्या हुआ था और वो सब सोचकर आकांक्षा का शरीर दोबारा कांप उठा। पर तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पास एक गर्माहट मौजूद है जिसने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। श्लोक ने आकांक्षा को कस के गले लगाया हुआ था जैसे वो कहीं भाग जाएगी। श्लोक ने जब आकांक्षा को उठते हुए देखा और उसे इस तरह कांपता देखा, उसे बहुत बुरा लगा और उसने उसे गले लगा लिया। श्लोक ने कहा, तुम जाग गई, तुम ठीक हो, क्या तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, हम हॉस्पिटल चलते हैं। आकांक्षा ने थोड़ी देर बाद कहा, डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, मुझे बस स्ट्रेस अटैक आया था। आकांक्षा को इस बारे में पता था और वे बताने में बिल्कुल नहीं हिचकिचा रही थी क्योंकि ये उससे जुड़ी हुई बीमारी थी। श्लोक ने कुछ नहीं कहा और आकांक्षा को गोद में उठाकर
बाथरूम में ले गया। इतने सारे ड्रामा के बाद आकांक्षा का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। श्लोक ने आकांक्षा को नहलाया और फिर उसे दूसरे कपड़े पहनाकर लिविंग रूम में ले आया। श्लोक ने आकांक्षा को टीवी के पास बिठाया और टॉम एंड जेरी लगाकर किचन की तरफ चला गया। आकांक्षा ने अभी तक एक भी शब्द नहीं कहा था। वो चुपचाप टीवी की तरफ देख रही थी। श्लोक ने थोड़ी ही देर में आकांक्षा के लिए आलू की सब्जी और पूरी बना ली थी। श्लोक आकांक्षा के पास वो खाना लेकर आया और उसने कहा, तुम्हारी फेवरेट सब्जी, चलो खा लो। आकांक्षा ने देखा कि ये उसका फेवरेट खाना था और ये देखकर आकांक्षा बच्चों की तरह खुश हो गई। उसने कहा, डॉक्टर साहब, आपने ये मेरे लिए बनाया है? श्लोक ने हाँ में सिर हिलाया और अपने हाथों से आकांक्षा को खाना खिलाने लगा। आकांक्षा भी चुपचाप श्लोक के हाथों से खाना खा रही थी और टीवी की तरफ देख रही थी। अब आकांक्षा का मूड पहले से थोड़ा लाइट हो गया था। खाना हो जाने के बाद श्लोक ने आकांक्षा के लिए चॉकलेट पेस्ट्री निकाली जो उसने सुबह ही मंगवाई थी। चॉकलेट पेस्ट्री को देखकर आकांक्षा का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसका मीठा खाने का बहुत मन करता था, इसीलिए मीठा उसकी फेवरेट चीज बन गई थी। चॉकलेट पेस्ट्री खाने के बाद आकांक्षा का पेट पूरी तरह भर चुका था। फिर आकांक्षा ने श्लोक की गोद में अपना सर रखा और कहा, डॉक्टर साहब, खाना टेस्टी था, आप बहुत अच्छे हैं। ये कहते हुए आकांक्षा ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और श्लोक के गाल पर किस कर दिया। फिर उसने आसपास देखते हुए कहा, अक्ष कहाँ चला गया? श्लोक ने कहा, वो स्कूल गया है। आकांक्षा ने कहा, अच्छा तो अक्ष स्कूल गया है, वैसे शिव यहाँ क्यों आया था? श्लोक ने आकांक्षा को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर आकांक्षा हैरान हो गई। उसने कहा, क्या कहा आपने? शिव वापस मनाली जा रहा है, पर उसने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। श्लोक ने कहा, अब तक तो वो लोग निकल भी गए होंगे, वो तुम्हें यही बताने आया था यहाँ। आकांक्षा ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, ये तो बुरा हुआ, मैं ट्विंकल और अनामिका से मिल भी नहीं पाई, ना ही मैं दादाजी से मिल पाई। श्लोक ने आकांक्षा के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, हम उनसे मिलने मनाली चलेंगे, तुम चिंता मत करो। आकांक्षा ने कहा, क्या हम सच में मनाली जाएंगे? श्लोक ने हाँ में सिर हिलाया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद श्लोक ने धीरे से कहा, आकांक्षा। जैसे ही आकांक्षा ने श्लोक के होठों से अपना नाम सुना, उसकी धड़कन थम सी गई, क्योंकि उसके डॉक्टर साहब उसका नाम बहुत कम पुकारते थे। आकांक्षा ने श्लोक की तरफ देखा, जिसका चेहरा काफी सीरियस था। उसने श्लोक के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हाँ बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? श्लोक ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, जैसे कि तुम्हें ये स्ट्रेस अटैक क्यों आते हैं? इस बात को सुनते ही आकांक्षा की सांसें उसके गले में अटक गई। आकांक्षा ने बात बदलते हुए कहा, डॉक्टर साहब चलिए ना, हम बाहर चलते हैं, मुझे घर में थोड़ी घुटन हो रही है। श्लोक ने कुछ नहीं कहा और आकांक्षा के साथ घर के बाहर आ गया। उनके घर के बाहर एक सुंदर गार्डन था। आकांक्षा और श्लोक एक दूसरे का हाथ पकड़े उस गार्डन में घूम रहे थे। श्लोक ने दोबारा कहा, तुम उस जगह का नाम सुनकर इतना ज्यादा घबरा क्यों गई थी, और तुम ये क्यों कह रही थी कि तुम्हें वहां नहीं जाना है? आकांक्षा ने अभी भी कुछ नहीं कहा। श्लोक ने दोबारा कहा, तुमने ये कहा कि तुम वहां नहीं जाना चाहती हो, क्या तुम पहले वहां गई थी? आकांक्षा ने अभी भी कुछ नहीं कहा। श्लोक ने पेशेंटली आगे भी सवाल किया, अक्ष ने मुझे बताया कि तुमने एक महीने तक खुद को कमरे में बंद कर दिया था, क्या तुम किसी बात से डर रही थी? श्लोक के इतने सारे सवालों को सुनकर आकांक्षा परेशान हो चुकी थी। आकांक्षा ने श्लोक के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और चिल्लाते हुए कहा, आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? श्लोक ने शांत नजरों से आकांक्षा को देखा और कहा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आखिर उस साल तुम्हारे साथ क्या हुआ था जो तुम इतनी परेशान रहती हो। आकांक्षा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और कहा, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था,
मेरे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैंने किसी को खुद को छूने नहीं दिया था। ये कहते हुए अचानक ही आकांक्षा की आंखों से आंसू बहने लगे। श्लोक को आकांक्षा की बातों का थोड़ा थोड़ा मतलब समझ आ रहा था, पर वो अभी भी ये नहीं समझ पा रहा था कि आकांक्षा को लाल बाजार से इतना डर क्यों लगता है और वो उस जगह के बारे में कैसे जानती है। श्लोक के दिल में एक ऐसा डर भी था जिसे वो सच होते हुए नहीं देखना चाहता था, पर अब उसके लिए सारा सच जानना बहुत जरूरी हो गया था। श्लोक के लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि आखिर आकांक्षा उस जगह के बारे में कैसे जानती थी। श्लोक ने आकांक्षा की तरफ बढ़ते हुए कहा, तो मुझे बता सकती हो कि आखिर परेशानी क्या है? मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकूं। आकांक्षा ने अपने कदमों को पीछे लेते हुए कहा, कोई कुछ नहीं कर सकता, इस बात का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको ये सब भूल जाना चाहिए, सबको ये सब भूल जाना चाहिए। किसी को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इन सारी बातों में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे याद किया जा सके। आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये कहते हुए आकांक्षा पीछे की तरफ जाती जा रही थी और श्लोक अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। श्लोक ने कहा, जानता हूँ ये सब जरूरी नहीं है, पर तुम्हें मुझे बताना चाहिए। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं ना, क्या होगा आगे की कहानी में? श्लोक जानता था कि आकांक्षा को सच बताने के लिए गुस्से से नहीं मनाया जा सकता है, उसे मनाने के लिए श्लोक को शांत रहना ही होगा। आकांक्षा ने कहा, पर आपके लिए सच इतना जरूरी क्यों है? मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। श्लोक ने कहा, पर हमें उस बारे में बात करनी चाहिए, क्या पता तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ ना हो। आकांक्षा और पीछे जाना चाहती थी, लेकिन उसके पीछे एक दीवार थी। श्लोक आकांक्षा के बिल्कुल सामने खड़ा था। श्लोक ने कहा, आकांक्षा मुझसे बात करो, पहले तुम मुझे हर चीज बताती थी, तुम्हें याद है ना? तुमने अपने संजय अंकल और प्रशांत के बारे में भी मुझे ऐसे ही बता दिया था। तुम बिना सोचे समझे अपनी मन की बातें मुझे बता देती थी, तो अब क्या हो गया? अब तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो? आकांक्षा से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। आकांक्षा ने जोर से श्लोक को गले लगाया और कहा, क्योंकि वो सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो बहुत बुरा है। मैं नहीं चाहती कि आपको ये पता चले कि मैं कहाँ रहकर आई हूँ। क्या आप उसके बाद मुझसे नफरत करने लगेंगे? श्लोक ने आकांक्षा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे नफरत क्यों करूँगा? मैं खुद से नफरत कर सकता हूँ, पर तुमसे कभी नहीं। ये कहते हुए श्लोक ने आकांक्षा के माथे पर किस किया। थोड़ी देर बाद श्लोक और आकांक्षा उनके गार्डन के एक हिस्से में बैठे थे। वो दोनों जमीन पर हरी घास पर बैठे हुए थे। उनके आसपास कई सारे पेड़ थे जिस कारण धूप उन तक नहीं आ रही थी। आकांक्षा ने धीरे से कहा, ये वही साल था जब अक्ष 5 साल का होने वाला था। उस समय तक उसे ये पता चल गया था कि शिव उसका पिता नहीं है, और अक्ष ने कह दिया था कि वो अब उस घर में नहीं रहना चाहता है, जिस कारण मुझे अक्ष के साथ एक दूसरे घर में रहना पड़ता था। मेरी कॉलेज की जॉब भी लग चुकी थी और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। मैंने कई सारे सब्जेक्ट में बहुत जल्दी पढ़ाई खत्म कर ली थी। जब लोग अपने एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे थे, तब मैं उन एग्जाम्स को पास करके आगे के एग्जाम्स की तैयारियां कर रही थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं एक अकेली लड़की थी जो अपने बलबूते पर जी रही थी। मैंने कई जगह पर काम किया था डॉक्टर साहब, मैं एक आर्ट गैलरी में काम करती थी, मैं एक बार में भी काम करती थी, और मैं एक होटल में शेफ का भी काम करती थी। मैंने कई सारी जॉब करके अक्ष की स्कूल फीस भरी थी, क्योंकि मेरी कॉलेज प्रोफेसर वाली सैलरी बहुत कम थी। शिव हमेशा कहता था कि वो मेरी मदद करना चाहता है, पर मैंने उसे हमेशा मना किया था। हालांकि जब भी शिव को मेरी ज़रूरत पड़ती थी, मैं उसके पास होती थी ताकि वो लोगों के सामने मुझे अपनी पत्नी कह सके। ये हमारा एक नाटक था जिसे हमने खुद ही रचा था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ट्विंकल की पैदाइश पर कोई सवाल उठाए। ये कहते हुए आकांक्षा ने गहरी सांस ली। श्लोक बहुत ध्यान से आकांक्षा की सारी बातें सुन रहा था। इस समय आकांक्षा का सिर श्लोक के कंधे पर था और श्लोक ने आकांक्षा को गले लगाया हुआ था।
श्लोक ने कहा। उसके बाद आकांक्षा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिस बार में मैं काम करती थी वहां पर मेरे साथ और भी कई लड़कियां थी। एक दिन कई सारी लड़कियों को किसी जगह ले जाया गया, पर वो लोग मुझे नहीं ले गए क्योंकि उस समय मैं वॉशरूम में थी। जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि उन सभी लड़कियों को किसी दूसरे बार में ट्रांसफर कर दिया गया है। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करती रही। ऐसे ही कई दिनों तक लड़कियां वहां से जाती रही। मुझे वो जगह अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए मैंने जल्द ही वो जॉब छोड़ दी। फिर मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करती थी वहां भी ऐसा ही होने लगा। वहां की वेट्रेस भी धीरे धीरे गायब होने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन सबको किडनैप कर रहा है। मैंने इस बारे में पुलिस में कंप्लेन की थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने से इनकार कर दिया था। शायद पुलिस भी इन सब में इन्वॉल्व थी, या फिर उनके कुछ अधिकारी ऐसे थे जो ये बात आगे तक नहीं जाने देते थे। मैंने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू की और मुझे पता चला कि उन लड़कियों को किसी जगह पर बेचा जा रहा था। मैंने उन सभी लड़कियों के नाम की लिस्ट बनाई और ये भी पता किया कि उन्हें किस तरह से ले जाया गया। मैंने किसी तरह से उन जगहों के CCTV फुटेज भी निकाल ली और ये भी देखा कि कुछ लड़कियां काफ़ी रो रही थी। फिर मैंने वो सभी सबूत इकट्ठा किए और उन्हें लेकर पुलिस स्टेशन गई थी। जब पुलिस इंस्पेक्टर ने उन सभी सबूतों को देखा तो वो बहुत हैरान हो गया था और उसके हाथ कांप उठे थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे झूठा आश्वासन देते हुए कहा था कि वो इन सब चीज़ों के बारे में जांच करेगा। मैंने भी उन सब बातों पर भरोसा कर लिया था और घर चली गई थी। उसके बाद कुछ दिनों तक मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। एक दिन अक्षय ट्विंकल के साथ स्कूल पिकनिक पर गया था और शिव भी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था। उस दिन मैं अकेली थी और मेरा कुछ खाना बनाने का मन नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं बाहर जाकर खाना खाऊंगी। मैं एक होटल में गई थी, पर जब मैं वहां पहुंची थी तो वो होटल पूरी तरह खाली था और वहां कोई नहीं था। ये देखकर मैं वहां से वापस जाने लगी थी, पर तभी कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। मैंने उन लोगों से लड़ाई की थी और उनमें से कई लोगों को हरा दिया था, पर फिर किसी ने मुझे एक इंजेक्शन लगाया था जिसके बाद मैं बेहोश हो चुकी थी। अगली बार जब मुझे होश आया था तो मैं कमरे में बंद थी। उस कमरे में काफी अंधेरा था और वहां कुछ लोगों के रोने की आवाज आ रही थी। मेरे हाथों को बांध दिया गया था और मैं हिल नहीं सकती थी। मुझे कई सारी टेक्निक्स आती थी, इसीलिए मैंने जल्दी खुद को आजाद कर लिया था। मेरे पास मेरा फोन भी था। मैंने जब फोन की टॉर्च ऑन करके आसपास देखा तो मैं हैरान हो गई थी। वहां कई सारी लड़कियों को बांध कर रखा गया था। किसी के शरीर पर जख्म थे, किसी के शरीर पर बहुत कम कपड़े थे, तो कोई बेहोश पड़ी थी। मैंने देखा उनमें से कई लड़कियां बहुत ही जानी पहचानी थी और सब मुझे देखकर हैरान हो गई थी। ये कहते हुए आकांक्षा अपनी यादों में खो गई। फ्लैशबैक। उस समय आकांक्षा को लाल बाजार के कमरे में बंद कर दिया गया था और उस कमरे में वो सभी लड़कियां थी जिनके साथ आकांक्षा काम कर चुकी थी। जब उन सभी लड़कियों ने आकांक्षा को देखा तो वो बहुत खुश हो गई थी, पर उन्हें आकांक्षा के लिए डर भी लग रहा था क्योंकि आकांक्षा उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। आकांक्षा ने उन सभी के हाथ खोल दिए थे। आकांक्षा ने कहा, तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? एक लड़की जिसका नाम निलोफर था उसने आगे आते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम यहाँ कैसे पहुंची? क्या उन लोगों ने तुम्हें भी किडनैप किया है? आकांक्षा ने हाँ में सिर हिलाया। निलोफर ने रोते हुए कहा, ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। आकांक्षा ने कहा, हम सब यहाँ से भाग सकते हैं, हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। तुम चिंता मत करो, मेरे पास फोन है, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। ये सुनकर निलोफर हंसने लगी। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है ये लोग पुलिस से डरते हैं? पुलिस इन लोगों के साथ मिली हुई है और इनका इस काम में साथ देती है। मैंने कई बार यहाँ पर पुलिस को आते हुए देखा है और वो लोग खुद भी हमारे साथ बहुत गलत काम करते हैं। शायद वो कुछ बुरे ऑफिसर हैं जो पुलिस फोर्स को बदनाम करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते।
ये सुनकर आकांक्षा समझ गई कि आखिर उसे यहाँ क्यों लाया गया था। शायद वो ऑफिसर भी उन बुरे ऑफिसर्स में से ही एक होगा जिसे आकांक्षा ने वो सबूत दिए थे, और उसने ही आकांक्षा के बारे में इन बुरे लोगों को बता दिया होगा। आकांक्षा ने कहा, तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। ये कहते हुए आकांक्षा दरवाजे की तरफ बढ़ गई, पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। आकांक्षा ने खिड़की से बाहर देखा, बाहर कई सारी लाइट्स जल रही थी। रात के 2 बज रहे थे, पर फिर भी वो गली लोगों से भरी हुई थी और वहां काफी ज्यादा शोर हो रहा था। कहीं पर काफी तेज आवाज में गाने भी बजाए जा रहे थे, और लोगों को देखकर पता चल रहा था कि वो कोई अच्छी जगह नहीं थी। आकांक्षा ये सब देखकर कांप उठी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक ऐसी जगह आ गई थी जो लड़कियों के लिए नर्क जैसी होती है। निलुफर ने आकांक्षा के पास खड़े होते हुए कहा, नायरा मेरी बात मानो, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं जानती हूँ तुम ये कर सकती हो। अगर तुम यहाँ से निकल गई तो तुम हमें भी बचा पाओगी। निलुफर आकांक्षा को बहुत अच्छे से जानती थी। वो आकांक्षा की बहुत अच्छी दोस्त थी और उसने कई बार आकांक्षा की मदद की थी, और उसने आकांक्षा को कई बार गुंडों से फाइट करते हुए भी देखा था। आकांक्षा अकेली लड़की थी जिसे हमेशा लोग परेशान करने की कोशिश करते थे, पर आकांक्षा उन लोगों से हारने वाली नहीं थी। वो सबका डटकर मुकाबला करती थी। आकांक्षा ने कहा, पर हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? और रही बात मेरी, तो मैं अकेली यहाँ से कैसे निकलूंगी? आकांक्षा को लग रहा था जितना वो सोच रही थी ये जगह उतनी आसान नहीं थी। आकांक्षा ने कहा, आखिर ये कौन सी जगह है? निलुफर ने फिर से कहा, इस जगह को लाल बाजार कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां से कई सारे अलग अलग देशों और शहरों की लड़कियों को किडनैप करके लाया जाता है और उनसे प्रोस्टिट्यूट का काम करवाया जाता है। ये सुनकर आकांक्षा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो निलुफर को देखने लगी। आकांक्षा ने अब ध्यान से निलुफर को देखा। निलुफर के गले पर कई जगह काटने के निशान थे और उसके होठों के पास भी कट लगा हुआ था। निलुफर काफी दुबली हो चुकी थी और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। ये देखकर आकांक्षा ने निलुफर को गले लगा लिया और कहा, क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ भी? ये सुनकर निलुफर की आंखों में रुके आंसू बह गए। उसने आकांक्षा को जोर से गले लगाते हुए कहा, ये जगह बहुत बुरी है नायरा, यहाँ बहुत बुरे लोग रहते हैं। यहाँ लोगों को बहुत बुरा ट्रीट किया जाता है। इस जगह पर जिंदगी मौत से भी बदतर है। मेरी बात मानो, यहाँ से भाग जाओ। आकांक्षा ने कहा, नहीं निलुफर, मैं तुम्हारे बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वो दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी किसी ने दरवाजा खोल दिया। अचानक से उस अंधेरे कमरे में तेज रोशनी हुई और कुछ आदमी अंदर आए। उन आदमियों के बीच में एक औरत चल रही थी जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। उस औरत ने काफी हैवी मेकअप किया हुआ था और उसके गले में एक सोने का हार था। वो औरत पान चबाते हुए उन सभी लड़कियों को देख रही थी। फिर उसने ध्यान दिया क्यों सभी लड़कियों के हाथ और पैर खुले हुए थे। ये देखकर वो औरत गुस्सा हो गई और उसने अपने साइड में खड़े आदमी के गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, क्या बे, तुझे कहा था ना इन सभी लड़कियों को अच्छे से बांध कर रखना, ये सब खुली हुई क्यों है? वो आदमी भी थोड़ा हैरान था। उन्होंने जिस तरह से उन लड़कियों को बांधा था, किसी भी लड़की का खुद को छुड़ाना बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी वहां मौजूद सारी लड़कियां अपने हाथ और पैर खोल कर बैठी हुई थी और उन्हें सहला रही थी। उस औरत की नजर खिड़की के पास खड़ी लड़कियों पर गई और उसकी आंखें और ज्यादा गुस्से से भर गई। उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा, और तुम दोनों हीरोइन वहां क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ पर पिकनिक मनाने आई हो? इधर आओ। ये कहते हुए वो औरत आगे बढ़ने लगी। उस औरत ने अभी तक आकांक्षा को नहीं देखा था, पर वो देख सकती थी कि वहां एक लड़की खड़ी थी जिसके काफी ज्यादा लंबे बाल थे। जब निलुफर साइड हुई तो उस औरत ने आकांक्षा को देखा। अब तक उसके आदमियों ने उस कमरे की लाइट ऑन कर दी थी। जब उस औरत ने ध्यान से आकांक्षा को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। आकांक्षा ने इस समय एक लॉन्ग व्हाइट स्कर्ट और ब्लू शर्ट पहनी हुई थी। आकांक्षा के लंबे बाल एक चोटी में गुथे हुए थे जो उसकी कमर से
नीचे लहरा रहे थे। आकांक्षा की गहरी आंखें उसे और सुंदर बना रही थी और उसके होठों की पिंक लिपस्टिक उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। वो औरत आकांक्षा से अपनी नजर ही नहीं हटा पा रही थी। उस औरत ने आकांक्षा के चेहरे पर हाथ रखा और कहा, ये तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, इसका हमें बहुत अच्छा दाम मिलेगा। इसे बहुत संभाल के रखना होगा, काफी समय बाद इतना अच्छा माल आया है। ये कहते हुए उस औरत की नजर आकांक्षा के खूबसूरत चेहरे पर थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की भी हो सकती है। उसने कई सारी खूबसूरत लड़कियों का सौदा किया था और उन्हें इस जगह पर सेटल भी किया था, पर उसने आज तक आकांक्षा जितनी खूबसूरत और मासूम लड़की नहीं देखी थी। उसे आकांक्षा की आंखों की मासूमियत बहुत ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि आदमियों को इसी तरह की औरत पसंद आती है। आकांक्षा ने उस औरत के हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए कहा, मुझे छूने की कोशिश मत करना और मुझे अभी के अभी यहाँ से जाने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? उस औरत ने अपने हाथ को संभाला और कहा, मुझे भी बता तू कौन है, क्या तू कहीं की प्रिंसेस है या फिर कोई बहुत बड़ी हीरोइन है? ये कहते हुए वो औरत हंसने लगी। फिर उसने आकांक्षा का चेहरा अपने हाथ में पकड़ा और कहा, तू जो भी है या तू जो भी थी, अब तू वो नहीं है। तू सिर्फ यहाँ रहने वाली एक लड़की है और यहाँ रहने वाली हर एक लड़की सिर्फ एक खिलौना है जिससे खेलने के लिए यहाँ लोग आते हैं। और तू चिंता मत कर, तुझे तो मैं बहुत महंगे दामों में बेचूंगी, क्योंकि तू मेरे लिए बहुत कीमती खजाना है। कालिया, अपना नाम सुनते ही एक आदमी आगे आ गया। उस औरत ने कालिया से कहा, इस लड़की को लाल कमरे में ले जा। ये सुनकर वो आदमी हैरान हो गया। उसने कहा, क्या कहा आपने? आप इसे वहां भेज रही हैं? उस औरत ने कहा, हाँ, अब ये इतनी ज्यादा सुंदर है कि इसे इस तरह की लड़कियों के साथ नहीं रखा जा सकता है। इसे तो लाल कमरे में ही भेजना होगा, वहां इसकी बहुत अच्छे से देखभाल होगी। आकांक्षा ने निलुफर के हाथ को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। वो निलुफर से दूर नहीं जाना चाहती थी। अगर वो यहाँ से चली गई तो वो सबको बचाएगी कैसे? ये सोचते हुए आकांक्षा ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं मेरे दोस्तों के साथ ही रहूंगी। ये सुनकर वो औरत हंसने लगी। उसने कहा, अच्छा तो ये सब तेरे दोस्त हैं? पर माफ करना, अब तेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। तुझे इन सब से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब तेरा कंपटीशन है। अगर तू इनसे कम कमाएगी तो तुझे पनिशमेंट मिलेगी। ये कहते हुए उसने कालिया की तरफ इशारा किया। कालिया उस औरत के इशारे को समझ गया और आकांक्षा की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो आकांक्षा का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा, तभी वहां किसी के चिल्लाने की आवाज गूंजी और सब शांत हो गए। सभी की नजर जमीन पर लेटे हुए आदमी पर थी, जिसका हाथ 90 डिग्री मुड़ गया था। उस आदमी का हाथ इतनी बेरहमी से मुड़ा गया था कि उसे देखकर भी कोई डर जाए। लाल साड़ी वाली औरत, जिसका नाम रोजी था, उसने हैरान होकर पहले जमीन की तरफ देखा और फिर आकांक्षा की तरफ। आकांक्षा अपने हाथ को सहला रही थी। इस समय आकांक्षा की आंखों में गुस्सा था। रोजी ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी पर हाथ उठाने की? आकांक्षा ने कहा, जैसे उसकी हिम्मत हुई मुझे छूने की। मैं कह रही हूं, तुम में से कोई मुझे नहीं छू सकता। ये कहते हुए आकांक्षा ने अपना एक कदम पीछे लिया और तभी रोजी के साथ खड़े बाकी आदमी भी आगे आ गए। रोजी ने कहा, इसे पकड़ो। रोजी के साथ लगभग 4 से 5 आदमी आए हुए थे और वो काफी हट्टे कट्टे थे। रोजी को लग रहा था कि आकांक्षा ने एक आदमी को हराया है, इसीलिए वो ज्यादा उड़ रही है और वो बाकी सबको नहीं हरा पाएगी। पर 10 मिनट बाद सभी आदमी जमीन पे करहाते हुए पड़े हुए थे। किसी के मुंह से खून बह रहा था, किसी के पैर में दर्द हो रहा था, किसी की हड्डी टूट चुकी थी तो किसी की गर्दन मुड़ गई थी, एक तो वहां मर भी गया था। रोजी को विश्वास नहीं हो रहा था, एक पतली दुबली लड़की में इतनी ताकत हो सकती है कि वो इतने हट्टे कट्टे लोगों को हरा सकती है। अब रोजी को आकांक्षा से डर लग रहा था। रोजी ने अपना एक कदम पीछे लेते हुए कहा, लड़की
अगर तूने मेरे लोगों को हरा दिया इसका मतलब ये नहीं तू यहाँ से जा सकती है, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए रोजी ने अपनी कमर में फंसी गन को निकाल कर आकांक्षा पर पॉइंट कर दी। आकांक्षा उस गन को देखकर हंसने लगी। उसने अपनी जिंदगी में कई सारी गन देखी थी। उसका हस्बैंड एक बहुत बड़ा डॉक्टर, एक सीक्रेट एजेंट और एक कंपनी का CEO था। उसने कई सारी लड़ाइयाँ देखी थी और कुछ लड़ाइयाँ लड़ी भी थी, इसीलिए उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता था। आकांक्षा ने तेजी से अपना हाथ बढ़ाया और उस गन को रोजी के हाथ से छीन लिया। फिर उस गन के साथ कुछ पल खेलने के बाद आकांक्षा ने उस गन को छोड़ दिया। जमीन पर गिरते ही वो गन कई सारे टुकड़ों में बिखर गई और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक छोटा सा खिलौना थी जिसे आकांक्षा ने तोड़ दिया था। रोजी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके लोग किस टाइम बम को उठाकर वहां ले आए थे, पर इससे पहले कि आकांक्षा कुछ कर पाती या रोजी उसे कुछ और कह पाती, अचानक से आकांक्षा के सिर में तेज दर्द हुआ और वो बेहोश होने लगी। बेहोश होने से पहले आकांक्षा ने अपने पीछे निलुफर को खड़े देखा। निलुफर शातिर मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। निलुफर के हाथ में एक बहुत बड़ा डंडा था जिससे उसने आकांक्षा के सिर पर वार किया था। आकांक्षा को विश्वास नहीं हो रहा था कि निलुफर ने उस पर वार किया था। जब रोजी ने देखा कि आकांक्षा को बेहोश कर दिया गया है तो उसने एक राहत की सांस ली और निलुफर की तरफ देखकर कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। मैं आज रात ने सबसे अच्छे क्लाइंट को तुम्हारे पास भेजूंगी। ये सुनकर निलुफर खुश हो गई। असल में उसे ये जगह इतनी बुरी भी नहीं लगती थी। यहाँ पर उसे पैसा मिलता था, खाना मिलता था और अच्छे कपड़े मिलते थे। निलुफर पहले इस जगह से भागना चाहती थी लेकिन धीरे धीरे उसे इस जगह की आदत हो चुकी थी। आकांक्षा को यहाँ देखकर निलुफर अपने अच्छे कैरेक्टर को बदलना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी आकांक्षा अभी भी उसे एक अच्छी लड़की समझे, इसीलिए उसने आकांक्षा को ये सब कहा था। पर उसके मन में यही था कि आकांक्षा जल्दी से वहां से चली जाए ताकि कोई उसकी खूबसूरती ना देख पाए, वरना लोग निलुफर को नहीं देखेंगे और सिर्फ आकांक्षा को ही चुनेंगे। इस बात से निलुफर को काफी जलन हो रही थी। रोजी ने कुछ आदमियों को बुलाया जो उसके उन आदमियों को ले गए जिनकी हड्डियां टूट चुकी थी। फिर उसने निलुफर को अपने साथ ले जाने का फैसला किया और आकांक्षा को कुछ आदमियों के साथ लाल कमरे में भेज दिया। अगली बार जब आकांक्षा को होश आया तो उसके दोनों हाथ जंजीरों से बंधे थे और उसके पैरों को भी बांध दिया गया था। आकांक्षा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसके सिर में काफी तेज दर्द हो रहा था। जब वहां बैठे लोगों ने देखा कि आकांक्षा होश में आ चुकी है तो वो जल्दी से रिएक्ट करने लगे और उन्होंने आकांक्षा के ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी। उस एहसास से आकांक्षा का शरीर कांप उठा और उसे कुछ साफ नहीं दिख रहा था। कुछ पलों बाद जब आकांक्षा को साफ दिखने लगा तो उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ी सी कुर्सी पर रोजी बैठी हुई थी और उसके साइड में निलुफर खड़ी थी। निलुफर के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। आकांक्षा के सामने दो आदमी खड़े थे जिनके हाथों में बर्फ के पानी की बाल्टी थी और वो उस पानी को आकांक्षा पर डाल रहे थे। काफी देर तक अपने ऊपर गिर रहे उस ठंडे पानी के कारण आकांक्षा का शरीर सुन्न हो चुका था और उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। रोजी ने उन लोगों को रुकने को कहा और फिर आकांक्षा के पास जाते हुए कहा, तुझे क्या लगा था तू इतनी आसानी से बच जाएगी? इसे लाल बाजार कहते हैं। एक बार जो लड़की यहाँ आ जाती है वो यहाँ से कभी नहीं जा सकती और तू तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकती। मैं तुझे बताऊंगी कि इस गुस्ताखी का क्या अंजाम होगा। तूने मेरे लोगों पर हाथ उठाया ना, अब तुझे पता चलेगा कि हाथ उठाना क्या होता है। ये कहते हुए रोजी ने अपने एक हाथ से आकांक्षा के गाल पर थप्पड़ मार दिया। रोजी के नाखून काफी बड़े थे और उसने अपने थप्पड़ को इस तरह से मारा था जिससे आकांक्षा के चेहरे के एक तरफ उसके नाखून के निशान बन चुके थे और उनसे खून बह रहा था। आकांक्षा ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे, ना ही उसकी आंखों में कोई डर था और ना ही कोई दर्द। हालांकि आकांक्षा के होंठ हल्के से नीले हो चुके थे और कांप रहे थे, पर फिर भी आकांक्षा को देखकर नहीं लग रहा था कि उसकी हिम्मत टूटी थी।
आकांक्षा ने थोड़ा सा कांपते हुए कहा, तुम्हें जो करना है कर लो, पर तुम मेरा इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। तुम मुझे जैसे किसी आदमी के पास भेजोगी, मैं उसकी जान ले लूंगी। जब वो मर जाएगा तब तुम उसकी लाश से पैसे ले लेना। ये सुनकर रोजी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। वो पागल लड़की को किस तरह हैंडल करे उसे समझ नहीं आ रहा था, और आकांक्षा के थोड़ी देर पहले के कारनामे को देखकर रोजी समझ गई थी कि आकांक्षा जो कह रही है वो उसे कर सकती है, इसीलिए रोजी इस तरह का रिस्क नहीं ले सकती थी। रोजी ने कहा, तुझे जो करना है कर ले, पर तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। भले ही मैं तुझे लोगों को नहीं देखा सकती, पर मैं तुझे यहाँ से कहीं जाने भी नहीं दूंगी। अगर तुझे इतना ही शौक है लोगों का मर्डर करने का तो तू कर लेना, पर तुझे मेरे क्लाइंट्स के पास तो जाना ही पड़ेगा। आकांक्षा ने हंसते हुए कहा, मेरा नाम नायरा है और मैं किसी से नहीं डरती। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे वहां भेज कर देख। मेरे पास हथियार नहीं भी होंगे ना, तो भी मैं उस इंसान को इतनी बुरी मौत दूंगी कि उसकी रूह भी कांप उठेगी। और अगर तू उसके बाद मुझे मार देगी तो मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं मौत से नहीं डरती। ये कहते हुए आकांक्षा रोजी की आंखों में देख रही थी। रोजी देख सकती थी कि आकांक्षा की आंखें मौत के कुएं की तरह खाली थी, जिसे देखकर एक पल के लिए वो भी कांप उठी थी। रोजी ने आकांक्षा को वहां छोड़कर जाना ही सही समझा, क्योंकि उसे आकांक्षा के पास रुककर हमेशा डर लगता था। रोजी के वहां से जाने के बाद निलुफर आकांक्षा के पास आई। उसने कहा, नायरा मुझे माफ कर देना, पर मेरा ये करना बहुत जरूरी था। आकांक्षा ने निलुफर के मुंह पर थूकते हुए कहा, तुझसे बेकार इंसान इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मैं तुझे यहाँ बचाने आई थी और तूने क्या किया? तूने मुझे इस औरत के हाथ पिकवा दिया। तुझे बहुत शौक है ना अपनी इज्जत बेचने का निलुफर, तो तू यही कर, क्योंकि इसके अलावा तू और कुछ कर ही नहीं सकती। ये सुनकर निलुफर को गुस्सा आ गया। उसने अपने चेहरे को साफ करते हुए कहा, तुम कभी नहीं समझ सकती कि गरीबी क्या होती है और जिंदगी को जीना क्या होता है। जब इस जगह पर मुझे सब मिल रहा है तो मैं इस जगह से क्यों जाऊंगी? आकांक्षा ने कहा, निलुफर तुम कभी नहीं समझ पाओगी, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी है और तुम ये नहीं देख पा रही कि ये जगह स्वर्ग नहीं नर्क है। जब तुम्हें इस बात का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये कहकर आकांक्षा कड़वाहट से मुस्कुराई। निलुफर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वहां से चली गई। उसके लिए इस समय सिर्फ अपने क्लाइंट्स इंपॉर्टेंट थे, जो उसे बहुत सारा पैसा देने वाले थे। कई दिनों तक आकांक्षा को उन जंजीरों से बांधकर रखा गया था, जिस कारण उसके पैरों में दर्द होने लगा था। आकांक्षा एक टेक्निक के जरिए अपने पैरों को मोड़ लेती थी ताकि उसके पैरों में दर्द कम हो। आकांक्षा ने कई बार उन जंजीरों से छूटने की कोशिश की, पर शायद उन लोगों को पता था कि आकांक्षा में कितनी पावर है, इसीलिए उन लोगों ने बहुत अच्छी जंजीरें यूज की थी। वहां आकांक्षा के शरीर पर रोज ठंडा पानी डाला जाता था और हर एक दो दिन छोड़कर उसे मारा भी जाता था। आकांक्षा के शरीर पर हरे और नीले निशान बन चुके थे। उसका व्हाइट स्कर्ट खून से रंग चुका था और उसकी शर्ट भी अब थोड़ी फट चुकी थी। आकांक्षा हमेशा सुनती थी कि उस लाल बाजार में कोई आदमी आया है जो किसी लड़की की तलाश में है, पर उसे वो लड़की नहीं मिल रही है और वो हमेशा वहां से चला जाता है। उसे सिर्फ वही लड़की चाहिए थी, पर वो उसे नहीं मिल पा रही थी। उसके कमरे में मौजूद लड़कियां जो उस पर नजर रखने के लिए मौजूद रहती थी, वो इस बारे में बात करती थी। आकांक्षा को ऐसा लगता था कि शायद कोई उसे ढूंढ रहा था, पर उसने कभी इस बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वो कोई उम्मीद नहीं बांधना चाहती थी। कई महीनों तक उस टॉर्चर को सहने के बाद आकांक्षा इन सब से कमजोर हो चुकी थी। उसे खाना दिया जाता था, पर उसे जो खाना दिया जाता था वो खाने लायक नहीं होता था। इस कारण आकांक्षा की तबीयत काफी खराब रहती थी। उसे कोई दवाई भी नहीं दी जाती थी। आकांक्षा इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी कि वो अपनी उंगली भी नहीं उठा पाती थी और उसकी आंखें हमेशा बंद रहती थी। एक दिन रोजी आकांक्षा के कमरे में आई। उसने आकांक्षा की हालत देखी। आकांक्षा की स्कर्ट के खून के धब्बे काले हो चुके थे और फटी हुई शर्ट और ज्यादा खराब हो चुकी थी। आकांक्षा के लंबे काले बाल बहुत ज्यादा बिखर चुके थे और जमीन पर लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई प्रिंसेस थी जिसे कैद कर लिया गया था। रोजी ने चिल्लाते हुए कहा, इसकी हालत ठीक करो
और इसे तैयार करके लेकर आओ। रोजी को लग रहा था कि इतने महीनों तक टॉर्चर करने के बाद आकांक्षा में कोई ताकत नहीं होगी और वो चुपचाप उसके कहे काम को कर लेगी। आकांक्षा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। असल में वो अभी भी अनकॉन्शियस फील कर रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद आकांक्षा को एक कमरे में ले जाया गया। आकांक्षा के लंबे बालों को खुंगराला करके थोड़ा कम हाइट का कर दिया गया था। आकांक्षा ने इस समय रेड कलर शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और उसके चेहरे पर काफी मेकअप किया गया था। हालांकि आकांक्षा को मेकअप की जरूरत नहीं थी, पर उसकी आंखों के नीचे के काले गड्ढे और उसके होठों का नीला रंग छुपाने के लिए उन्हें थोड़ा मेकअप करना पड़ा था। आकांक्षा को उन सभी लड़कों के बीच बैठा दिया गया था जो कि काफी अमीर दिख रहे थे। जब उन लड़कों ने आकांक्षा को देखा तब उनकी आंखों में चमक आ गई थी। आकांक्षा ने नजरें उठाकर उन सभी लड़कों की तरफ देखा जिनकी आंखों में हवस साफ दिख रही थी। वो सभी लड़के आकांक्षा के लिए बोली लगा रहे थे और साइड में खड़ी नीलोफर ये सब देखकर गुस्सा हो रही थी। उसे अमीर लोगों के पास जाना था पर वो अमीर लोग आकांक्षा को चुन रहे थे। नीलोफर को आकांक्षा के उन लंबे बालों से बहुत चिढ़ हो रही थी जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। एक आदमी जो बहुत ज्यादा अमीर था उसने काफी ज्यादा बोली लगाकर आकांक्षा को आज रात के लिए जीत लिया था, जिसके बाद आकांक्षा को एक सुंदर से कमरे में बैठा दिया गया। आकांक्षा को एक इंजेक्शन दिया गया था जिससे वो अनकॉन्शियस हो गई थी और उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है, पर आकांक्षा ये जरूर समझ रही थी कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो आदमी आकांक्षा के पास आया। कमरे का दरवाजा पहले ही बंद कर दिया गया था। उस आदमी ने आकांक्षा के पास आकर उसके कपड़ों के ऊपर हाथ फेरना शुरू कर दिया। आकांक्षा को उस आदमी का टच बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो उससे दूर भागना चाहती थी। आकांक्षा ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, मुझसे दूर हटो, तुम मुझे नहीं छू सकते, मुझे सिर्फ मेरे डॉक्टर साहब छू सकते हैं। वो आदमी मुस्कुराया। उसने कहा, मैं ही तुम्हारा डॉक्टर साहब हूँ, ध्यान से देखो। आकांक्षा ने ध्यान से उस आदमी की तरफ देखा पर उसे उस आदमी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर भी आकांक्षा ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि उसके सामने बैठा इंसान उसके डॉक्टर साहब है। आकांक्षा श्लोक के दिल की धड़कन और उसकी सांसों की खुशबू को पहचानती थी। वो श्लोक का टच भी जानती थी जो उसे सेफ फील करवाता था, पर इस आदमी का टच उसे इनसिक्योर फील करा रहा था। आकांक्षा ने उस आदमी को धक्का देते हुए कहा, मैंने कहा मुझसे दूर हटो। अब उस आदमी को गुस्सा आ रहा था। उस आदमी ने एक जोरदार थप्पड़ आकांक्षा के गाल पर मारा और कहा, चुपचाप कॉपरेट कर, मैंने बहुत सारे पैसे देकर तुझे आज रात के लिए जीता है। उस खतरनाक थप्पड़ से आकांक्षा के होठों के कोनों से खून बहने लगा और उसे होश भी आने लगा। उन लोगों के पास इतनी अच्छी दवाई नहीं थी जिससे वो आकांक्षा को पूरी तरह नशे में कर सके, इसीलिए आकांक्षा को हल्का ही नशा था और थप्पड़ के दर्द से उसका नशा पूरी तरह उतर चुका था। आकांक्षा ने अपनी आंखें झपकाई और उस आदमी की तरफ देखा, अपने एक हाथ की मुट्ठियां बनाते हुए कहा, मैंने कहा मुझसे दूर हटो वरना इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। वो आदमी हंसने लगा। आकांक्षा एक दुबली पतली और कमजोर लड़की थी। उसे लग रहा था आज रात उसे बहुत मजा आने वाला है और वो उस लड़की को पूरी तरह घायल कर देगा, पर उसे नहीं पता था वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। जब उस आदमी ने आकांक्षा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो आकांक्षा ने उसे बुरी तरह मारा। आकांक्षा ने उस आदमी के गले के उस हिस्से पर वार किया जो बहुत ज्यादा नाजुक था और उसकी गर्दन एक झटके में टूट गई। वो आदमी मर चुका था। आकांक्षा एक कोने में बैठ गई। उसे थोड़ा सिर दर्द हो रहा था। नीलोफर बाहर खड़ी खिड़की से ये नजारा देख रही थी और उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। नीलोफर दौड़ते हुए रोजी के पास गई और उसने रोजी को सब कुछ बताया। जब रोजी ने सुना कि आकांक्षा ने क्या किया है तो उसके हाथ से पान छूटकर जमीन पर गिर गया। रोजी ने कहा, मैं इस लड़की का क्या करूं, मुझे लगता है मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, पर इसने बहुत अमीर इंसान को मार डाला है, हम क्या करेंगे। ये कहते हुए रोजी जल्दी से आकांक्षा के कमरे में गई। उसने देखा कि वह आदमी बहुत अजीब तरीके से जमीन पर पड़ा था। उसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ चुकी थी, उसकी आंखें ऊपर थी और उसके मुंह से खून बह रहा था।
उस आदमी की हालत इतनी दर्दनाक थी कि रोजी के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने साइड में बैठी आकांक्षा की तरफ देखा, जो अपने सर पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। आकांक्षा को देखकर रोजी को बहुत गुस्सा आया, पर इस समय उसे इस आदमी का कुछ करना था। रोजी ने जल्दी से अपने बॉस को फोन किया। कॉल कनेक्ट होते ही रोजी ने कहा, सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। रोजी के बॉस ने कहा, बताओगी रोजी क्या प्रॉब्लम हो गई है? रोजी ने उस सारी सिचुएशन बताई। उस आदमी ने कहा, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच रहा हूं, उस लड़की का ख्याल रखना, ठीक है? ये कहकर उस आदमी ने कॉल कट कर दिया। आधे घंटे बाद उस कमरे में कई सारे आदमी आए। उन आदमियों के बीच में एक मिडिल एज आदमी 3-पीस सूट पहनकर चल रहा था। उस आदमी के हाथ में एक सिगार था और वो उसे पीते हुए आगे बढ़ रहा था। उस आदमी ने पहले जमीन पर उस लाश को देखा और फिर आकांक्षा को। उससे थोड़ी सी हंसी आ गई। वो सोच रहा था कि क्या इस नाजुक सी लड़की ने इस आदमी को मारा था। आकांक्षा भी तिरछी नजरों से उस आदमी को देख रही थी। उसने रोजी और उस आदमी की सारी बातें सुन ली थी और वो ध्यान से उस आदमी को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस आदमी को देख चुकी थी, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इस आदमी को कहाँ देखा था। वो आदमी आकांक्षा के पास घुटनों के बल बैठा और उसने आकांक्षा के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। लगता है खूबसूरत होने के साथ तुम बहुत खतरनाक भी हो। तुमने बहुत कमाल का काम किया है। तुमने तो इस आदमी को बहुत अच्छे से मारा है। क्या तुमने पहले कहीं ट्रेनिंग ली है? आकांक्षा उस आदमी की गहरी नीली आंखों में देख रही थी और याद करने की कोशिश कर रही थी कि उसने उसे कहाँ देखा था। आकांक्षा ने कहा, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? ये सुनकर वो आदमी जोर से हंसने लगा। उसने कहा, मुझे हर कोई जानता है, तो जाहिर सी बात है तुम भी मुझे जानती होगी। क्या तुमने प्रकाश राव का नाम नहीं सुना है? उस नाम को सुनते ही आकांक्षा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। प्रकाश एक बहुत बड़ा समाज सेवक था जिसके कई सारे आश्रम थे और वो बूढ़े और बच्चों की मदद करता था, इसीलिए वो इस समय काफी फेमस था। आकांक्षा ने कहा, तो तुम्हारा असली चेहरा ये है? ये सुनकर प्रकाश राव हंसने लगा। उसने कहा, चलो अच्छी बात है, तुम्हें पता तो चला, पर तुम यहाँ नहीं रह सकती। अगर तुम यहाँ रही तो तुम इसी तरह मेरे सारे क्लाइंट को मार डालोगी और फिर मेरा धंधा कैसे चलेगा? ये कहते हुए प्रकाश राव ने आकांक्षा के चेहरे पर हाथ रखा। आकांक्षा ने प्रकाश के हाथ को अपने चेहरे से हटा दिया। उसे प्रकाश का छूना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। प्रकाश ने एक हाथ आगे बढ़ाकर आकांक्षा की ड्रेस को फाड़ दिया। आकांक्षा ने हैरान होकर प्रकाश की तरफ देखा और फिर खुद को ढकने लगी। आकांक्षा के शरीर पर अब बहुत कम कपड़े बचे थे। आकांक्षा ने अपने उन बालों को खोल दिया जिसने उन्हें थोड़ी देर पहले ही बांधा था। उसके लंबे बालों ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया था। प्रकाश राव की आंखों में बहुत ज्यादा चमक थी। उसने आकांक्षा के सुंदर शरीर को देखा और वह आकांक्षा को पाना चाहता था। प्रकाश राव ने आकांक्षा के चेहरे के पास एक चाकू रखा और एक छोटा सा कट उसके गले के पास लगाते हुए कहा, तुमने गलत किया। अगर तुम इस आदमी को नहीं मारती तो तुम मुझसे नहीं मिलती, और तुम मुझसे नहीं मिलती तो तुम अपनी मौत के करीब नहीं आती। ये कहते हुए प्रकाश राव उठकर खड़ा हुआ। उसने कहा, इसे मैं ले जाऊंगा। रोजी ने हैरान होकर प्रकाश राव की तरफ देखा। उसने कई बार प्रकाश राव को कई लड़कियां दिखाई थी, पर प्रकाश राव ने कभी किसी को पसंद नहीं किया था। वो हमेशा कहता था कि यहाँ मौजूद लड़कियां सुंदर नहीं है, पर उसे आकांक्षा बहुत अच्छी लगी थी। ये देखकर रोजी बहुत हैरान थी, पर उसने जल्दी ही हाँ में सिर हिला दिया। प्रकाश ने एक और बार आकांक्षा की तरफ देखा जिसके पूरे शरीर को उसके गहरे काले बालों ने ढक रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे आकांक्षा एक काले रंग की चादर ओढ़कर बैठी हो। प्रकाश को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे छुप सकती हो? नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आकांक्षा ने अपना सिर उठाया और प्रकाश की आंखों में देखते हुए कहा, तुम कोशिश कर सकते हो, पर याद रखना, अगर तुम मुझे मौत देने की कोशिश करोगे तो वही मौत तुम्हारे भी करीब आएगी। प्रकाश राव को पहले कभी किसी लड़की ने इस तरह धमकी नहीं दी थी और ये उसकी ईगो को हर्ट कर रहा था। प्रकाश राव ने आकांक्षा के बाल पकड़े
और उसे खींचते हुए अपने साथ ले गया। आकांक्षा बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसके शरीर पर बहुत कम कपड़े थे और उसे घसीट कर ले जाया जा रहा था। प्रकाश राव औरतों से नफरत करता था क्योंकि उसके हिसाब से औरतें सिर्फ खिलौना होती थी जिनके साथ आदमी खेलते थे और औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता है। एक औरत को अपने खिलाफ आवाज उठाता देख प्रकाश राव गुस्सा हो चुका था। रोजी ने निराशा भरी नजरों से आकांक्षा को देखा। वो जानती थी कि प्रकाश राव कितना खतरनाक है और वो औरतों के लिए कितना बुरा हो सकता है। रोजी ने गहरी सांस ली। उसकी जिंदगी लाल बाजार को चलाने में ही बीतने वाली थी, इसीलिए उसने अपनी आत्मा को मार दिया था और वो उसे जिंदा नहीं कर सकती थी। ये सोचते हुए रोजी बाकी कामों में लग गई। निलुफर को बहुत गुस्सा आ रहा था। निलुफर को लग रहा था कि उसे प्रकाश राव के साथ जाना चाहिए था। ये सोचकर निलुफर भी उस गाड़ी में घुस गई जिसमें आकांक्षा को ले जाया जा रहा था। पर उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगली बार जब आकांक्षा को कार से बाहर निकाला गया तो वो एक बड़े सफेद घर के बाहर थे। आकांक्षा नहीं जानती थी कि वो किस शहर में थी और ना ही ये पता था कि वो कहाँ जा रही थी। प्रकाश राव अभी भी आकांक्षा को खींच रहा था। प्रकाश राव ने आकांक्षा को खींचकर हॉल की जमीन पर फेंक दिया और हंसते हुए कहा, तुम जानती हो, तुम पहली लड़की हो जिसने मुझसे आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत की है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इन्हीं आंखों से खून के आंसू बहे। प्रकाश की आंखों में गुस्सा और पागलपन साफ दिख रहा था। आकांक्षा को उस इंसान से थोड़ा डर लग रहा था। उसने अपने कदमों को पीछे लेते हुए कहा, मैंने कहा मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। प्रकाश ने अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे कुछ करके दिखाओ, फिर मैं बताता हूँ प्रकाश राव कौन है। ये कहते हुए प्रकाश राव आकांक्षा की तरफ आगे बढ़ रहा था। आकांक्षा डरी हुई जरूर थी पर उसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी थी। आकांक्षा ने साइड में रखे एक डेकोरेटिव आइटम को उठाया और उसे प्रकाश को दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। प्रकाश ने हंसते हुए आकांक्षा को इग्नोर किया। उसे नहीं लगता था कि कोई लड़की इतनी खतरनाक हो सकती है जो किसी इंसान की जान ले ले। प्रकाश को लग रहा था कि जिस आदमी को आकांक्षा ने मारा था वो कोई मामूली इंसान था जिसे शायद लड़ना नहीं आता था। प्रकाश राव अपने घुटनों के बल बैठ गया और आकांक्षा के चेहरे के एकदम करीब आ गया। आकांक्षा ने धीरे धीरे हाथ में पकड़े डेकोरेटिव आइटम को प्रकाश के पैरों के पास गड़ा दिया। प्रकाश राव को दर्द का एहसास हुआ और कुछ पल के लिए उसका एक पैर सुन्न हो गया। प्रकाश राव ने जब अपना सिर झुकाकर नीचे देखा तो वो हैरान हो गया। उसके एक पैर से खून बह रहा था और वो डेकोरेटिव आइटम उसके पैर में लगभग घुस चुका था। आकांक्षा ने उस डेकोरेटिव आइटम को प्रकाश राव के पैरों से खींचा और उसे प्रकाश राज के दूसरे पैर में घुसा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो तुम गलत हो। मुझे ना मौत से डर लगता है ना लोगों को मौत देने से। आकांक्षा अपने अंदर के डर को पूरी तरह भूल चुकी थी। उसे सिर्फ इस जगह से निकलकर अपने बेटे के पास जाना था जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। आकांक्षा जानती थी उसके सामने मौजूद इंसान किसी हैवान से कम नहीं है, इसीलिए आकांक्षा को उसके सामने मासूम नहीं बनना होगा बल्कि उसके सामने उसे उस इंसान से भी ज्यादा खतरनाक बनना होगा। प्रकाश राव को काफी तेज दर्द हो रहा था जिस कारण वो जमीन पर गिर गया। प्रकाश राव के दोनों घुटनों के पास से खून बह रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे काफी गहरी चोट लगी थी। प्रकाश राव ने घूर कर आकांक्षा को देखा और अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर आकांक्षा का गला पकड़ लिया। प्रकाश राव ने दांत पीसते हुए कहा, तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये कहते हुए प्रकाश राव आकांक्षा के गले को दबाते जा रहा था जिस कारण आकांक्षा का चेहरा लाल पड़ रहा था, पर फिर भी उसकी आंखों में ना ही कोई डर था ना ही कोई शिकन। ये देखकर प्रकाश राव बहुत नाराज हो गया। प्रकाश राव ने आकांक्षा को छोड़ा और अपने कुछ आदमियों को आवाज दी। जब उसके आदमियों ने उसकी हालत देखी तो वो सब भी हैरान हो गए और प्रकाश राव को जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। प्रकाश राव के उस जगह से जाने के बाद आकांक्षा ने उस जगह पर रास्ता ढूंढने की कोशिश की पर उसे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ से वो भाग सके। यहाँ तक कि उस घर के बाहर लगभग 100 से भी ज्यादा गार्ड मौजूद थे। आकांक्षा जानती थी कि
कि वो इतने सारे लोगों के सामने नहीं टिक पाएगी और हार जाएगी। इसीलिए आकांक्षा ने इस समय शांत रहने का फैसला किया। पर आकांक्षा ये भी जानती थी कि जब वो आदमी लौटेगा तो वो उससे बदला जरूर लेगा। कुछ दिनों बाद प्रकाश राव वापस लौटा और आकांक्षा के सामने आकर खड़ा हो गया। आकांक्षा इस समय कुछ खा रही थी क्योंकि आकांक्षा को पता था अगर वो भूखी रहेगी तो वो कमजोर हो जाएगी और उन लोगों से नहीं लड़ पाएगी, इसीलिए उसने खाना पीना बंद नहीं किया था। प्रकाश राव आकांक्षा के सामने खड़ा हुआ और उसने खाने की प्लेट को जमीन पर फेंक दिया था। आकांक्षा उस आदमी को देखकर हैरान हो गई थी। प्रकाश राव ने आकांक्षा को उसके गले से पकड़कर खड़ा किया और शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगा। आकांक्षा ने प्रकाश राव को घूर कर देखा और कहा, मुझे छोड़ो। प्रकाश राव ने आकांक्षा को अपने आदमियों की तरफ फेंकते हुए कहा, इस लड़की को वहां बांध दो। प्रकाश राव के घुटनों में अभी भी थोड़ा दर्द था क्योंकि आकांक्षा ने उसके पैरों पर काफी धारदार हथियार से वार किया था। प्रकाश राव पर आज तक किसी ने हमला करने की हिम्मत नहीं की थी और वो इस बात का बदला आकांक्षा से लेना चाहता था। पर आकांक्षा की आंखों में हिम्मत को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो ये सब नहीं कर पाएगा। ये सोचते हुए प्रकाश राव की आंखों में चमक आ गई थी, जैसे उसने कोई तरकीब सोच ली हो। थोड़ी देर बाद आकांक्षा को दो खंभों के सहारे जंजीर से बांध दिया गया था और उस हॉल को पूरी तरह खाली कर दिया गया था। प्रकाश राव एक सोफे पर बैठा था और आकांक्षा की तरफ देख रहा था। आकांक्षा ने इस समय एक वाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी और उसके घुटनों से नीचे तक आते बाल खुले हुए थे। आकांक्षा एक खूबसूरत परी की तरह दिख रही थी जिस पर से प्रकाश राव अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। प्रकाश ने गहरी सांस ली। उसे इस लड़की से बदला लेना था, इसके प्यार में नहीं पड़ना था। ये सोचते हुए प्रकाश राव ने ताली बजाई। थोड़ी देर बाद कुछ आदमी दो लड़कियों को लेकर अंदर आए। उन लड़कियों ने काफी चमकीले कपड़े पहने थे और वो रो रही थी। उनके शरीर पर कई घाव के निशान थे और उन्हें वहां घसीटकर लाया जा रहा था। आकांक्षा ने उन लड़कियों को देखते ही पहचान लिया, वो उसकी वो दोस्त थी जो उसके साथ रेस्टोरेंट में काम करती थी। आकांक्षा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम इन लोगों को यहाँ क्यों लाए हो? इन्हें छोड़ दो, इनकी कोई गलती नहीं है। प्रकाश राव ने जोर से हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें चोट पहुंचाने से तुम्हें दर्द नहीं होता है, पर शायद तुम्हारे दोस्तों को चोट पहुंचाने से तुम्हें दर्द हो। ये कहते हुए प्रकाश राव ने अपनी आंखों से कुछ इशारा किया। वो आदमी जो उन लड़कियों को लेकर आए थे, उन्होंने उन्हें जमीन पर फेंक दिया और वहां से चले गए। प्रकाश खड़ा हुआ और उसने अपनी कमर से बेल्ट निकाला, फिर उन लड़कियों की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो कमरा बेल्ट के शरीर से टकराने की आवाज से गूंज उठा। वो बेल्ट उन लड़कियों के शरीर पर लग रहा था जिससे उनकी चीखें निकल रही थी। प्रकाश बेरहमी से उन लड़कियों को मार रहा था। वो इतनी ताकत से उन लड़कियों को मार रहा था कि उनकी चमड़ी उधड़कर उनके शरीर से अलग हो रही थी। उन लड़कियों की चीखें इतनी खतरनाक थी, वहां मौजूद गार्ड ने भी अपनी नजर दूसरी तरफ फेर ली थी। आकांक्षा से ये सब ज्यादा देर तक नहीं देखा गया। आकांक्षा ने चिल्लाते हुए कहा, हट जाओ, उनसे दूर हटो, प्लीज उन्हें मत मारो। ये कहते हुए आकांक्षा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आकांक्षा कुछ भी देख सकती थी, पर अपने दोस्तों को इतने दर्द में देखकर उससे नहीं सहा जा रहा था। कुछ पल तक और उन लड़कियों को मारने के बाद प्रकाश रुक गया और आकांक्षा की तरफ देखने लगा। प्रकाश राव ने अपने माथे से पसीना और उन खून की बूंदों को साफ किया जो उन लड़कियों के शरीर से उड़ रही थी और कहा, अगर मैं इन्हें नहीं मारूंगा तो मैं तुमसे बदला कैसे लूंगा? ये कहते हुए प्रकाश राव ने अपनी शर्ट उतारना शुरू कर दिया। ये देखकर आकांक्षा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आकांक्षा ने अपने कांपते हुए होठों से कहा, तुम इन सबके साथ क्या करने वाले हो? आकांक्षा के वो शब्द ज्यादा देर तक उसके होठों पर नहीं रह पाए क्योंकि कुछ ही पल बाद आकांक्षा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया क्योंकि वो सामने के उस दर्दनाक नजारे को नहीं देखना चाहती थी। उन लड़कियों की चीखें और ज्यादा खतरनाक और दया से भर चुकी थी। प्रकाश राव उन लड़कियों के साथ वो कर रहा था जो कोई जानवर भी नहीं कर सकता था। उसने उन लड़कियों को बेरहमी से कुचल दिया था और उनके शरीर को बेजान बना दिया था। सब कुछ करने के बाद जब प्रकाश राव का मन भर गया तो वो उठकर खड़ा हुआ और उसने अपने कपड़े पहनते हुए कहा, इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। लड़कियों के वहां से चले जाने के बाद
आकांक्षा ने अपनी आंखें खोली। उसकी नजर उस फर्श पर थी जो कि अब खून से रंग चुका था। उस लाल रंग को देखते हुए आकांक्षा की आंखों में भी खून उतर आया था। आकांक्षा ने अपने हाथों को झटकते हुए कहा, प्रकाश राव, अगर तुम में हिम्मत है तो एक बार मुझे खोलो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि लोगों के साथ जबरदस्ती करना क्या होता है। ये सुनकर प्रकाश राव ने हंसते हुए आकांक्षा के पास जाकर कहा, इतनी जल्दी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम ये रोज देखोगी। मैं तुम्हारे हर अपने को चोट पहुंचाऊंगा जो तुम्हें अपनी जिंदगी से भी प्यारा है। अगर मैं तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। ये कहते हुए प्रकाश राव ने आकांक्षा के बालों को खींचा और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारकर वहां से चला गया। प्रकाश राव के वहां से जाने के बाद आकांक्षा जोर जोर से रोने लगी। उसके कानों में अभी भी वो दर्द भरी चीखें गूंज रही थी। आकांक्षा को ऐसा लग रहा था जैसे ये सब सिर्फ उसी के कारण हो रहा था। कोई भी आकांक्षा को खोलने के लिए नहीं आया था। आकांक्षा उसी तरह वहां बंधी हुई थी। ये सिलसिला रोज चल रहा था। प्रकाश राव रोज आकांक्षा के उन दोस्तों को वहां से ले आता था जिनसे उन्हें रोजी ने मिलाया था। रोजी ने प्रकाश राव को बताया था कि आकांक्षा इन सभी लड़कियों को ढूंढने के कारण उस जगह पर पहुंची थी। प्रकाश राव थोड़ा हैरान हुआ था कि जिस लड़की को किडनैप करने के लिए उसने अपने लोगों को भेजा हुआ था वो आकांक्षा थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने वो सारे सबूतों के बारे में प्रकाश राव को इन्फॉर्मेशन दे दी थी, जिसके बाद प्रकाश ने आकांक्षा पर लोगों को नजर रखने भेजा था और कहा था कि मौका देखकर वो उसे किडनैप कर ले। प्रकाश राव को लगा था कि वो कोई बूढ़ी औरत या फिर कोई इंस्पेक्टर होगी, पर उसे नहीं लगा था कि वो एक खूबसूरत परी होगी। डियर लिसनर, अब अगली ऑडियो सीरीज प्ले होगी।